अरबों साल पहले दानव और देवताओं के बीच एक भीषण महासंग्राम हुआ था। उस महासंग्राम के देवताओं का नेतृत्व आगे बढ़ो अग्निदेव अग्निदेव ने किया था और दानवों का नेतृत्व गुरु शुक्राचार्य के शिष्य राहु केतु ने। युद्ध में जब राहु केतु अग्निदेव पर भारी पड़ा तो विष्णु भगवान से रहा नहीं गया। बहुत हो गया खिलवाड़। चलो निकलो यहां से। युद्ध के अंत में विष्णु ने राहु केतु के सर को धड़ से अलग कर दिया और राहु केतु के कट के गिरने से जो जलजला आया उससे धरती फट गई और उसके गर्भ में तप कर रहे शुक्राचार्य की तपस्या बंद हो गई। अपने शिष्य की करुण पुकार सुनकर वो उठ खड़े हुए। विष्णु जागो। दानव जागो। 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 वापस चले जाओ। विष्णु जिन मनुष्यों को तू दानवों से बचा रहा है कलयुग में
वे स्वयं दानवों से कहीं अधिक पापी हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब उनके पाप धरती के सबसे बड़े दानव को जन्म देंगे जिसके जागते ही संपूर्ण मानव जाति हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगी। सारे दानव धरती छोड़कर शुक्राचार्य के पीछे पीछे खिंचते चले गए और धरती दानव मुक्त हो गई। फिर दानवों ने अपनी जगह गुरु शुक्राचार्य के शरीर में बना ली और इस तरह से शुक्र ग्रह की स्थापना हुई। कलयुग क्या है माँ? जिस समय में हम रह रहे हैं उसे ही कलयुग कहते हैं बेटा। और इस युग में मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए बहुत पापी हो गया है। जंगलों को काट रहा है, जानवरों को मार रहा है, अपने सुख के लिए दूसरों को दुख पहुंचा रहा है। टुन्नु और टंकी भी पापी है, मुझे अपने साथ कभी नहीं खिलाते। क्या सच्ची में एक दिन बहुत बड़ा राक्षस आएगा जो सबको खा जाएगा? आज तो मानव खुद ही सबसे बड़ा राक्षस बन गया है। वो भूल गया है कि प्रकृति ने ही सब कुछ बनाया है और एक दिन प्रकृति ही सबको वापस ले जाएगी। तो फिर हमें कौन बचाएगा? मेरे तो पापा भी चले गए। हनुमान जी है ना, वो किसी को कुछ नहीं होने देंगे। ज्यादा झुक मत, गिर जाएगी। कौन सा गांव है? बजरंगपुर। आपका गांव है? हर चीज जो बजरंग हो जरूरी नहीं कि मेरी है। तो फिर देख क्यों रहे हो? वो बच्चे देख कितने खुश हैं। लेकिन वो बेचारा अभी भी किनारे खड़ा है। कौन है वो? तुझे और कोई काम नहीं है? साइज देगा अपना, चल जा।